सिंचान जो तुम दोनों सोच रहे होगे कि मैं इस जगह पर क्यों लेकर आया हूँ। प्रकीन भैया सुबह से हमें घुमाई जा रही है, बस ये बोल रहे कि क्यों लेकर आया हूँ, कुछ बताएंगे कि नहीं। मुझे लगता है प्रकीन भैया आज हमें घुमा घुमा कर ना भूखे पेट ही मार डालेंगे। प्रकीन भैया हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में हमें लेकर जाना है कि नहीं हमें बता दो, वरना हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से। प्रकीन भैया प्लीज प्लीज ले जाओ ना, मेरे पेट में तो चूहे डोर रहे हैं और आपको पता तो है खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तो आगे मुझसे और नहीं चलने होगा, बस इतना ही, आप कुछ खिलाओगे तो हम आगे चलेंगे। अरे तुम लोग यहीं पर खड़े रहोगे कि आगे चलोगे भी? आगे चलोगे तो कुछ खिलाऊंगा ना मैं, बस थोड़ा सा ही दूर रह चुका है वो रेस्टोरेंट। गाइस इनका रेस्टोरेंट वो साहब नहीं है, उसके बाद सिंचना चौक जो दिल करे तुम लोग खाना। अरे अगर तुम लोगों ने नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं जाने वाला हूँ, फिर भूखे पेट यहीं पर खड़े रहना फिर। अरे प्रकीन भैया हम लोग तो मजाक कर रहे थे, हम लोग तो आपके साथ जाने वाले हैं बस। मुझे लगता है प्रकीन की बात ना मानी तो वो हमें यहीं पर छोड़ देगा। गाइस इससे अच्छा प्रकीन के साथ साथ चलते हम लोग भी। ये हुई ना बात गाइस, इन दोनों को पता चल चुका है अब। और एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ? अरे सिंचन और चोब ये सामने इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है? और इस रिंग के ऊपर तो एक बंदा खड़ा है, और होने क्या वाला है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे गाइस ये क्या, सामने की तरफ तो सुपरमैन का सूट रखा गया है, और ये तो सुपरमैन का न्यू सूट है। अरे बाप रे मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है इस सूट को जीतना पड़ेगा इससे फाइट करके, कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सूट तो कितना ही ज्यादा अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हो। अरे इसकी लुक तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे कोई बताएगा कि होने क्या वाला है यहाँ पे? जो भी इस इंटरनेशनल बॉक्सर को आएगा उसे मिलेगा ये सुपरमैन का सूट, और अगर कोई इस इंटरनेशनल बॉक्सर से हार जाता है तो उसे मिलेगी सिर्फ मौत। ये चैलेंज डू और डाई है, अगर तुम इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हारा नाम एंटर कर दिया गया है। तुम इस बॉक्सर से इस रिंग के अंदर फाइट कर सकते हो, और अगर हार जाते हो तो तुम्हें पता ही है तुम्हें ये बॉक्सर मार डालेगा। गाइस सामने तो सुपरमैन का सूट है और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। सिंचना चोप बस थोड़ी देर वेट कर जाओ, मुझे ये रिंग के अंदर फाइट लड़ने दो, मैं भी देखूं कि ये कितना ज्यादा इंटरनेशनल बॉक्सर है। और गाइस अगर हम लोग इससे जीत जाएंगे तो हमें ये सुपरमैन का सूट मिल सकता है, और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सूट को हासिल करने के लिए। तो मुझे जल्दी से इस रिंग के अंदर जाना पड़ेगा। अरे मैं तुझसे फाइट लड़ना चाहता हूँ, मुझे पता है तू इंटरनेशनल बॉक्सर है, पर आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तो गाइस आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम लोग इस बॉक्सर को हरा सके। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में फ्रैंकलिन होपी लिख दो। अरे ये क्या, ये मुझसे लड़ेगा? चला देखते हैं कौन जीतता है, मैं तो तुझे एक ही मुक्के में मार डालूंगा। अरे ये क्या गाइस, ये तो मुझे पीट रहा है। अरे रुक तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। हाँ मुझे लगता है ना मुझे अपनी गुस्से लाते शुरू करनी पड़ेंगी, क्या ही खतरनाक तरीके से इसे पढ़ रही है। अरे ये इंटरनेशनल बॉक्सर है, मैं तो इसे मौका ही नहीं दे रहा। अरे इसे क्या बता, मैं सुपरमैन के सूट को पाने के लिए कितना ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए तो मैं इसका बुरा हाल करने वाला हूँ गाइस। अरे क्या ही जोरदार पंच लग रहा है इसके मुंह पर। अरे आप सारे के सारे लोग देख रहे हैं, फ्रैंकलिन से ये मुकाबला नहीं कर सकता। गाइस मुझे लगता है बहुत हो चुका। अरे ये क्या, ये तो बचकर निकल चुका है। अरे काफी ज्यादा प्रैक्टिस है इसकी, लेकिन अब बचेगा नहीं, एक दफा ये गिर जाए उसके बाद मैं इसे मौका नहीं दूंगा। फाइनली क्या ही जोरदार पंच मार रहा हूँ, और ये मेरा पावरफुल फाइनल पंच। अरे ये तो ढेर हो चुका है, नीचे गिर चुका है। अरे ये रहा इंटरनेशनल बॉक्सर, अरे उठना, क्या हो गया इसे? अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था एक ही मुक्के से मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है ये तो बेहोश हो चुका है, और मैं जीत चुका हूँ ये चैलेंज। फाइनली आई विन दिस चैलेंज, फाइनली सिंचना चोब ये सूट तो मुझे मिल चुका है और मैंने जीत लिया ये चैलेंज। अरे क्या करूँ, रहा नहीं जा रहा, जल्दी से नीचे उतरना पड़ेगा मुझे। फाइनली मैंने सबके सामने इस बॉक्सर को हरा दिया, ये रहा इंटरनेशनल बॉक्सर जो कि अभी बेहोश पड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इंटरनेशनल बॉक्सर तो काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है जरूर तुम्हारे पास कोई पावर है, इसी वजह से तुमने उसे हरा दिया है। लेकिन कोई नहीं, चैलेंज तुमने जीत लिया है, ये सुपरमैन का सूट तुम्हारा हुआ आपसे। अगर तुम और चैलेंज खेलना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हम और भी इंटरनेशनल बॉक्सर को बुरा सकते हैं। अरे नहीं बाप रे, मुझे तो बस ये सुपरमैन का सूट चाहिए था। गाइस ये चैलेंज जीत चुका हूं और मुझे जल्दी से इस सूट को पहन लेना चाहिए। प्रकीन भैया वाह वाह, आज तो काफी ज्यादा मजा आया, आपने काफी अच्छी पिटाई की उस बॉक्सर की। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पिटाई तो कर ली है, अब हमें लेकर भी जाओ फ्रैंकलिन भैया, कुछ खिलाना है हमें के नहीं। सिंचना चोब तुम अब जा सकते हो जिस मर्जी रेस्टोरेंट में, मैं बिल पे करूंगा और जितना खाना खा सकते हो। और मुझे लगता है मुझे इस सूट को पहन लेना चाहिए, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग भी रेडी हो गाइस मेरे साथ? 1 2 3 एंड गो।
गाइस मेरे ये सूट तो पहन लिया है। वाकई में इस सूट में तो मैं काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। गाइस मुझे लगता है इस सूट के अंदर काफी ज्यादा पावर होगी और मुझे आस्ता आस्ता इसकी पावर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सिंचना चौहान तुम दोनों जा सकते हो अब रेस्टोरेंट में, मैं बिल पे करूंगा। अब मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुपरमैन के बाकी सूट जो बाय करने हैं। और गाइस आप लोगों को पता है सुपरमैन के ये न्यू सूट है और मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन सूट को हासिल करने के लिए, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। सिंचन और चौप तुम लोग भी जाओ और मैं अभी जाने वाला हूँ क्योंकि बाकी सूट अगर मुझे बाय करने हैं तो गाइस मुझे पैसों की जरूरत हो सकती है और मैं बाकी सूट सुपरमैन के ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। सिंचन और चौप तुम लोग भी जाओ। अरे गाइस क्या ही मजेदार भाग रहा हूँ मैं, मुझे भागना पड़ेगा। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने? अरे ये तो इनजस्टिस डूम है ना, ये गाड़ी में बैठ के कहाँ पे जा रहा है और इसके पीछे तो पैसे भी थे, मुझे भागना पड़ेगा इसके पीछे। ओके भाग कर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, उसकी वो वैन सामने रुक चुकी है। गाइस हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, इस वैन के अंदर तो पैसे भी है, अगर ये पैसे हमें मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन अगर इस इनजस्टिस डूम ने हमें देख लिया ना तो ये हमारा काम तमाम भी कर सकता है। मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा। ओके गाइस वो सामने की तरफ से तो जा रहा है, ये गाड़ी खड़ी करके कहाँ पर जा रहा है? मुझे लगता है इसे लग रही है काफी ज्यादा सेफ जगह है, लेकिन सुपरमैन ने इसके पैसों को देख लिया, अब ये बचने नहीं वाले। ओके गाइस थैंक गॉड वो तो जा चुका है और ये रे वैन के अंदर पैसे। हाँ मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट सूट बाय करने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो जल्दी से मुझे इन पैसों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेडी हो गाइस, जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। ओके मेरे अकाउंट में तो पूरे $1,00,000 आ चुके हैं, यानी कि ये $1,00,000 थे। गाइस लगता है ये किसी बैंक से लूट कर भागा था। खैर चोर के हाथों से चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भी हम लोग इन पैसों को अच्छे के लिए इस्तेमाल करने वाले है। ओके गाइस मुझे जाना पड़ेगा किसी सेफ जगह पर क्योंकि मुझे सुपरमैन का नेक्स्ट सूट जो बाय करना है। कहाँ पर जा रहे हो सुपरमैन, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे बाप रे ये क्या, ये तो इनजस्टिस डूम है। गाइस ये मेरे पीछे पड़ चुका है, मुझे भागना पड़ेगा अब। अरे मुझे पता नहीं था कि इनजस्टिस डूम इतनी जल्दी मेरे पीछे भी आ सकता है। तुमने मेरे पैसे चुरा कर बहुत बुरा किया, अब तुम्हें जरूर इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं इनजस्टिस डूम, भाग कर कहाँ पर जाओगे सुपरमैन? गाइस कुछ ना कुछ करके भागना पड़ेगा, मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। अरे भाग भाग सुपरमैन, गाइस ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही है मुझे और मुझे जल्दी से इस साइड पर छुप जाना चाहिए, इनजस्टिस डूम तो काफी ज्यादा पीछे है। ओके गाइस मैं जगह पर छुप चुका हूँ। गाइस ये सामने से ही जा रहा है इनजस्टिस डूम। गाइस फाइनली ये तो सामने से जा चुका है, अब मुझे अच्छा मौका मिल चुका है, अब ये मुझे पीछे नहीं देख पाएगा और ना ही मुझे पकड़ पाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने चकमा दे दिया इनजस्टिस डूम को और वो सामने एरिया है, इस एरिया में मुझे जा करना नेक्स्ट सूट बाय करना पड़ेगा सुपरमैन का। ओके फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, तो ओपन कर लेते हैं सुपरमैन का ऑनलाइन सूट स्टोर। फाइनली गाइस ये रहा $1,00,000 का सूट, जल्दी से मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस ये सूट भी मैंने बाय कर लिया है। वाकई में न्यू सुपरमैन के सूट तो कितने ही ज्यादा अमेजिंग है। गाइस आप लोगों को ये सूट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और मैं क्या ही स्पीड से भाग रहा हूँ, फाइनली इस सूट के अंदर मुझे पावर भी मिल चुकी है, यानी हम लोग किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं अब। ऐसे भी पिछले सूट के अंदर भी पावर थी लेकिन इतनी फास्ट पावर नहीं थी कि हम लोग इतना तेजी से भाग पाए या फ्लाई कर पाए। ओके क्या ही जोरदार पंच मारा मैंने इसे और मेरी आंखों से लेजर भी निकल रही है। सुपरमैन के सूट के अंदर तो लेजर भी है, यानी अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, तो फाइनली भाग कर जाना पड़ेगा। अरे क्या ही मजेदार भाग रहा हूँ मैं। अरे गाइस हम लोग तो कुछ ही सेकंड के अंदर ना पूरा का पूरा मैप क्लियर कर सकते हैं। एक मिनट ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ तो तीन गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसा क्यों लग रहा है कि रेसिंग चैलेंज होने वाला है? गाइस मुझे पास जाकर देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। ओके मुझे लगता है मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही होने वाला है। अरे कोई बताएगा कि चल क्या रहा है मुझे? तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, यहाँ पर एक रेसिंग चैलेंज होने वाला है। इस चैलेंज के रूल तो बिल्कुल सिंपल ही है, तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट के टाइम के अंदर तुम्हें फिनिश पॉइंट तक पहुंचना होगा और ये दोनों खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, अगर तुमने इस चैलेंज को जीत भी लिया फिर भी ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें इनसे भी बचना होगा और ये रेसिंग चैलेंज भी जीतना होगा। अगर तुम इस रेसिंग चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हारा नाम एंटर कर दिया गया है, तुम इस चैलेंज को खेल सकते हो। अरे मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाइस अब मेरे पास सुपरमैन का सूट आ चुका है, तो ठीक है मैं इस चैलेंज को खेलने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस जल्दी से चले जाते हैं, वैसे भी इतना एक्साइटेड हो के इस चैलेंज को मैं जीतूंगा और उसके बाद अगर इन दोनों ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो इन्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। 3, 2, 1,
ओके गाइस, लगता है टाइम शुरू हो चुका है और ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। मुझे भी बैठना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, इन दोनों ने तो काफी स्पीड से अपनी गाड़ी भगाई है। लगता है इन दोनों की गाड़ी मॉडिफाई है। मुझे भी इनका पीछा करना पड़ेगा। अरे मैं पीछे हटने वाला वैसे तैयू, मुझसे तुम लोग नहीं जीत पाओगे ये चैलेंज। गाइस फाइनली इन दोनों को मैंने ओवरटेक किया और आगे निकल चुका हूँ। अरे क्या ही बाजार है। आ जाओ तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे। इतनी आसानी से मैं इन्हें पहुँचने नहीं दूंगा। अरे गाइस ये दोनों तो पीछे ही अभी। इन लोगों ने शायद समझा था कि ये चैलेंज मुझे हरा डालेंगे। गाइस इन लोगों की कार तो मॉडिफाई है लेकिन मुझसे आगे नहीं निकल सकते और वो सामने रहा फिनिश पॉइंट। लगता है मैं फिनिश पॉइंट तक पहुँचने वाला हूँ और ये दोनों तो काफी ज्यादा पीछे है अभी। गाइस थोड़ी सी अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं ताकि इन्हें लगे कि ये चैलेंज जीत सकते हैं और मुझे अभी अपनी गाड़ी को भगाना पड़ेगा। अरे क्या ही स्पीड से, और फाइनली मैंने फिनिश पॉइंट को क्रॉस कर लिया। अरे क्या ही बुरे तरीके से ठुकी है अपनी गाड़ी। फाइनली गाइस 3 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है और गाइस अब $5 मिलियन तो मुझे ही मिलेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे गाड़ी से उतरना पड़ेगा। अरे ये दोनों तो पागल हो चुके हैं, लगता है मुझे मारने के लिए खड़े हैं ये। इतनी आसानी से नहीं, तुम लोगों को शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सुपरमैन हूँ। मेरा एक पंच ही तुम लोगों के लिए काफी है। अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। ओके गाइस मुझे लगता है डर चुके हैं ये लोग तो जा चुके हैं। यही है सुपरमैन की पावर। और एक और अच्छी बात, मेरे अकाउंट में तो पूरे $5 लाख आ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा किसी सेफ जगह पर। ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही है मुझे। अब ओपन कर लेते हैं सुपरमैन का ऑनलाइन सूट स्टोर। तो गाइस सुपरमैन के ये न्यू सूट बाय करने में मैं कितना ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये रहा $5 लाख का सूट, जैसे मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस ये सूट भी मैंने बाय कर लिया है और देखने में कितना ही ज्यादा अमेजिंग है। इस सूट के अंदर तो बिजलियां दौड़ रही है, सुपरमैन की बिजलियों जैसी पावर है इस सूट के अंदर। तो गाइस मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा अब, क्योंकि इसकी पावर तो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा होगी। अरे मैं क्या ही स्पीड से फ्लाई कर पा रहा हूँ इस सूट के अंदर। अमेजिंग गाइस, यार ये सूट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वैसे सुपरमैन के ये न्यू सूट तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे है। अरे अच्छा हुआ इन सूट को मैंने बाय कर लिया, वरना मुझसे पहले कोई और ही बाय कर लेता। अरे भाग तो रहा हूँ मैं, अपनी स्पीड देखो कितनी ज्यादा हो चुकी है मेरी। एक मिनट, ये किसकी गाड़ी है? अरे काफी ज्यादा अमेजिंग गाड़ी सामने से आ रही है। इस गाड़ी के अंदर कौन हो सकता है? ये तो गोल्ड की गाड़ी नजर आ रही है मुझे। एक मिनट छुप के देखना पड़ेगा, इसने गाड़ी तो इस जगह पर छुपा कर रखी है ताकि इस गाड़ी को कोई देख ना पाए। लेकिन सुपरमैन इस गाड़ी को चोरी करके भेज डालेगा सिमियन की डीलर शॉप पर। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो एक्वामैन है। अरे एक्वामैन किससे मिलने के लिए गया है? अरे सामने तो किसी डीलर से ये बात कर रहा है, इससे पीछे से मैं इसकी गाड़ी चुरा लेता हूँ। अरे एक्वामैन तू बातें कर, तेरी गाड़ी तो गई। जल्दी से बैठ चुका हूँ मैं इसकी गाड़ी में। गाइस भगाना पड़ेगा इस गाड़ी को। गाइस क्या स्पीड से भाग रही है ये गाड़ी। अमेजिंग गाइस, यार देखने में तो काफी ज्यादा ओपी है गाड़ी यार। इस गाड़ी को मुझे काफी ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा, बस किसी के साथ ठुक ना जाए, बस सिमियन की शॉप तक ना सेफली पहुंचानी है। ओके फाइनली गाड़ी को भगा कर मैं पहुंच चुका हूँ सिमियन की प्रीमियम डीलर शॉप पर। गाइस ये सामने तो पहुंच चुका हूँ, ये क्या सिमियन की शॉप पर ये कौन खड़ा है? मुझे गाड़ी से उतरना पड़ेगा और इसी के आगे ये गाड़ी सेल करनी पड़ेगी बस किसी तरह करके। ओके ये रही गोल्ड की कार, मेरी काफी ज्यादा फेवरेट कार है, बट मैं इसे सेल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोगों को ये गाड़ी काफी ज्यादा पसंद आई है। वैसे भी सिमियन अपनी शॉप पर आया नहीं है, तो आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हो, काफी अच्छे रेट पर मिल जाएगी। हम लोग किसी गाड़ी के इंतजार में थे, ये गाड़ी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है और ये गाड़ी तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी लग रही है, पर मेरे पास सिर्फ $1 मिलियन ही है। अगर तुम इस गाड़ी को $1 मिलियन में बेचना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मुझे लग रहा है ये काफी अच्छी डील हो सकती है हम दोनों के दरमियान। मुझे लगता है गाइस $1 मिलियन की भी काफी अच्छी डील है। ओके मैं इसको $1 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, ये लो $1 मिलियन जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। गाइस मेरे अकाउंट में तो $1 मिलियन आ चुके हैं। हम मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि सिमियन आ गया ना तो उसे पता चल जाएगा कि उसी की शॉप के बाहर मैं किसी और के आगे ये गाड़ी सेल कर चुका हूँ और वो ऐसा होने नहीं देगा, तो हमें जल्दी से भागकर जाना पड़ेगा इस साइड से। अरे ये सामने बंदे खड़े हैं, क्या ही गंदा पंच लगा इन्हें। अरे मैं भाग कर जा रहा हूँ, मुझे सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। ओके इन दरख्तों के पीछे तो मुझे कोई सेफ जगह नजर आ रही है, तो जल्दी से चले जाते हैं। गाइस पहुंच चुका हूँ मैं इस जगह पर, तो ओपन कर लेते हैं सुपरमैन का ऑनलाइन सूट स्टोर। ये रहा $1 मिलियन का सूट, जल्दी से मैंने किया क्लिक एंड बाय।
गाइस ये सूट भी मैंने बाय कर लिया और ये कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है। जैसे जैसे मैं सुपरमैन के सूट बाय करता जा रहा हूँ वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग होते जा रहे हैं। गाइस लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, सुपरमैन का ये न्यू सूट भी मुझे मिल चुका है और मुझे भाग कर जाना पड़ेगा। वैसे इस सिटी में मैं काफी ज्यादा तबाही मचा सकता हूँ लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सुपर हीरो हूँ। अगर मैंने तबाही मचाई तो मैं लोगों की नजरों में सुपर विलन बन जाऊंगा। तो जल्दी से भाग कर निकलते हैं। एक मिनट, अब ये किसकी कॉल आ रही है यार? ये क्या, ये तो सिंचैन की कॉल है। अरे हाँ बोल सिंचैन। फ्रैंकलिन भैया हमने तो रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है, रेस्टोरेंट का खाना काफी मजे का था, बस आप आकर बिल पे कर देना। अच्छा यार ये सब कुछ बताने के लिए तुम दोनों ने कॉल किया क्या मुझे? फ्रैंकलिन भैया एक और बात, आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, आपको मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप रैंप चैलेंज कर सकते हैं और उस चैलेंज को जीतने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे और पैसों से आप सुपरमैन का नेक्स्ट सूट भी बाय कर सकते हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देख सिंचैन अगर तूने मेरे साथ प्रैंक किया ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा जल्दी से मुझे लोकेशन भेज और फोन रख। गाइस सिंचैन ने तो मुझे लोकेशन भेजी है, मुझे जल्दी से उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। अब क्या वाकई में उस लोकेशन पर चैलेंज होने वाला है? तो जल्दी से पहुंच जाते हैं। ओके फ्लाई करके तो मैं चैलेंज पर पहुंच चुका हूँ। ये क्या, ये चैलेंज किसने अनाउंस करवाया? ये तो क्रॉग है। अरे लगता है इसने चैलेंज को अनाउंस करवाया है। मैं इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ, बस मुझे इस चैलेंज के रूल जानने हैं। बहुत अच्छे, तुम इस चैलेंज पर पहुंच चुके हो। इस चैलेंज के सिंपल से रूल है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर इस चैलेंज को पूरा करना होगा और अगर तुम इस चैलेंज को जीत जाती हो तो तुम्हें पूरे $5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और तुम्हें पता है हारने पर सिर्फ तुम्हें मिलेगी मौत, वो भी मेरे हाथों से। ये चैलेंज सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ, मेरे अलावा ये चैलेंज और कोई नहीं जीत पाएगा। जल्दी से तुम्हें ये चैलेंज खेलना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये क्या गाइस, मेरा नाम भी इंटर हो चुका है और ये टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे जल्दी से इस बाइक को चूज करना पड़ेगा, जल्दी से इस बाइक को लेकर जाना पड़ेगा। आगे तो फुटबॉल है, इन फुटबॉल से मेरे पार कर लिया इस बाइक को। अरे आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सामने की तरफ। ये क्या, अबे ये क्या, ये तो लकड़ रखी गई है। अरे ये अगर मुझे लगी, ओके क्या ही जोर से बाउंस किया इसने मुझे। अरे फाइनली इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, आगे तो ये गोल गोल रिंग घूम रहे हैं और मुझे लगता है ये सेफ रास्ता है, इससे निकल जाते हैं। ओके भाई साहब क्या खतरनाक बाइक भगाई मेरे। गाइस सामने वाले ट्रैक पर भी पहुंच चुका हूँ मैं, आगे ये बड़ी सी लकड़ रखी गई है, इस लकड़ के ऊपर से भी मुझे होकर जाना है, काफी ध्यान से जाना पड़ेगा। ओके अपनी बाइक को मैंने जंप करवाया और हम लोग निकल चुके हैं इस वाले रास्ते से भी। अरे रास्ता तो थोड़ा सा मुश्किल रखा गया वाकई, अगर ये लकड़ मुझे गिरा देती ना तो मैं चैलेंज हार जाता। फाइनली इस वाले रास्ते से भी पार कर चुके, आगे ये टायर रखे गए हैं, ये टायर भी पार करने पड़ेंगे मुझे। फाइनली टायर भी पार हो चुके हैं गाइस, पर मुझे लग रहा ना बस हम लोग ना ये कंटेनर को पार करने के बाद फिनिश पॉइंट तक पहुंच जाएंगे क्योंकि वो सामने है फिनिश पॉइंट। रास्ता तो थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे लगता है ना इन जगह से मुझे रैंप करनी पड़ेगी। इस बाइक को हवा के अंदर फ्लाई किया, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके अपनी बाइक रुक चुकी है, फिर से मैंने बाइक को जंप करवाया और सीधा हम लोग पहुंचने वाले हैं इस वाले ट्रैक के ऊपर। क्या ही खतरनाक किस्म की बाइक जा रही है और क्या ही खतरनाक लैंडिंग करवाई मैंने। ओके गाइस जल्दी से इस बाइक को चूज करना पड़ेगा, ये बाइक तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है और मुझे बाइक को हवा के अंदर फ्लाई करवाया और जंप करते हुए हम लोग ना इस प्रंग के ऊपर से जा रहे हैं। क्या ही मजेदार, बस नीचे नहीं गिरना, अपनी बाइक को संभाल कर लेकर जाना है। ओके बाइक रुक रही है, क्या ही खतरनाक तरीके से गया। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिश पॉइंट पर। गाइस फाइनली इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने देख लिया कितना ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से मैंने किया इस चैलेंज को और ये रहे पूरे $5 मिलियन। तो जल्दी से एक्साइटेड मैं इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली इनको कलेक्ट कर लिया और मेरे अकाउंट में आ चुके हैं पूरे $5 मिलियन। तो जल्दी से जाना पड़ेगा मुझे फ्लाई करके क्योंकि अगर क्रॉक को पता चल गया कि मैं सूट बाय कर रहा हूँ सुपरमैन के तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो जल्दी से फ्लाई करके इस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है। ओके गाइस ओपन कर लेते हैं सुपरमैन का ऑनलाइन सूट स्टोर। ये मैंने ओपन कर लिया, ये रहा $5 मिलियन का सूट, जल्दी से मैंने किया क्लिक एंड बाय। गाइस मैंने ये सूट भी बाय कर लिया है। गाइस ये रहा सुपर हल्क का सूट, यानी कि सुपरमैन और हल्क का फ्यूजन है, इसके अंदर दोनों पावर है, सुपरमैन की भी और हल्क की भी। तो देख ही सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग है ये सूट। तो जल्दी से भाग कर निकल जाते हैं, मेरे पास क्या ही खतरनाक पावर्स आ चुकी है, क्या ही मजेदार भाग रहा हूँ मैं। अभी ये क्या, यहाँ पर रुका तो इसने तो ट्यूबवेल तोड़ दिया पूरे का पूरा, अरे पूरे एरिया में पानी घूम रहा है। ओके गाइस क्या ही अमेजिंग पावर है, मैं क्या ही खतरनाक किस्म का घूम रहा हूँ, ये है टोर्नाडो इस सुपरमैन का। तो गाइस आप लोगों को ये सूट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा सिंचैन हचो का बिल भी जो पे करना है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस हम लोग बहुत सारे सुपर हीरो के बहुत सारे न्यू सूट बाय करने वाले हैं। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं तो जा रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय।